टॉपिक इज डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड. डिमांड मीन्स वॉट? डिज़ायर. इफ़ यू वॉन्ट एवनी डिज़ायर, सपोज आपको कोई डिज़ायर है, कोई चीज़ परचेज करनी, उसका डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ कंसिडर एज अ डिमांड, बट इट इज़ अ 50%. नाउ वॉट इज अनदर 50%? अबिलिटी टू पे, मतलब और डिज़ायर होनी चाहिए और उसके वॉट कैपेबिलिटी टू पे वैसा होना चाहिए. आप वो खरीदने के लिए क्या हो, कैपेबल हो. सपोज आपने बोला कि मुझे आसमान से चांद तारे तोड़ के लेके आओ, बट इज़ नॉट एबिलिटी टू पे, तो ऐसा इट इज़ नॉट कंसिडर. कंसिडर इज वॉट डिज़ायर एंड एबिलिटी टू पे. नेक्स्ट वन इज़ अ वॉट? इट इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप. क्या होता है इनवर्स में? मतलब उल्टा रिलेशन है. जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे डिमांड क्या होगा, फॉल होगा. कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो मार्केट का, जैसे जैसे प्राइस राइज होता है डिमांड उसकी कम होती है. अगर हमको डिमांड को बढ़ाना है, ओके, अगर हमको डिमांड को बढ़ाना है तो हमको प्राइस कम करना पड़ेगा. तो दैट इज मीन्स वॉट? वी कैन ईजी टू मेक अ मोर एंड मोर डिमांड व्हेन द प्राइस फॉल्स.